मैं हूँ रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज बात करने वाली हूँ कि आपने अगर अपना सामान, अपनी कोई ज्वेलरी, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना घर, अपना कुछ भी किसी को थोड़े दिन के लिए दिया है रखने के लिए, कुछ पैसे अगर आपने कभी किसी को दिए हैं रखने के लिए फॉर द सेफ्टी पर्पस, और वो इंसान आपका वो सामान, आपकी वो चीज़ वापस नहीं कर रहा है, तो वो कौन से बैच ट्रैवल रेमेडीज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आज बात करूंगी इस बारे में। लेकिन इससे पहले आई वांट टू से थैंक्स टू नारायण सर, क्योंकि मेरे वीडियोस में जो भी टीचिंग्स हैं वो नारायण सर की हैं। लास्ट 5 ईयर में मेरी लाइफ में इतने मिराकल्स हुए हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अब तो इतने सारे फॉलोअर्स की लाइफ में मिराकल्स हो रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, पीसफुली उनकी लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है जो वो चाहते थे। तो थैंक यू नारायण सर फॉर दीज टीचिंग्स, जिससे मेरी लाइफ में तो चेंजेस हुए ही, आपकी बताई हुई टीचिंग्स आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो मिलियन थैंक्स टू यू सर, हम पूरी ज़िंदगी भी आपका थैंक्स बोले तो शायद सर ये कम होगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन से बैच फ्लावर रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम अपना कोई ना कोई सामान किसी को दे देते हैं, लाइक आपने कभी किसी को ज्वेलरी दी अपनी रखने के लिए, कभी कोई मोबाइल दे दिया, कभी लैपटॉप दे दिया, कभी अपना घर किसी फ्रेंड को दे दिया थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है लोग उस चीज़ पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो क्या होगा कि आप कौन से कॉम्बिनेशन चैट करें कि आपकी वो चीज़ आपको पीसफुली बिना किसी ट्रबल के मिल जाए। एग्रीमनी, हीदर, चेस्टनट बर्ड, चैरी प्लम, इम्पेशेंस, चिकोरी, ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको चैंट करना है डेली 400 टू 500 टाइम्स। आप इसे 100 टाइम्स चैंट करके ग्लास ऑफ वाटर में भी पी सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप लिख भी सकते हैं डेली 21 टाइम, 51 टाइम और 101 टाइम, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वो चीज़, ये चीज़ें, उतनी फास्टली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो एग्रीमनी क्या करेगा, एग्रीमनी आपको हेल्प करेगा अवॉइड करने में क्वारल को। आप पीसफुली अपना सामान वापस ले पाएंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए, बिना किसी टू टू मैम के। हीदर विल हेल्प यू टू लिसन। आप जिस इंसान को सामान दे चुके हैं उस इंसान से जब भी आप बोलेंगे कुछ कहेंगे तो सुनेगा, क्योंकि क्या होता है जब इनसे कोई इंसान आपका सामान देने के मोड में नहीं होता, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, आपसे कन्वर्सेशन करने बंद कर देता है, आपको अवॉइड करने की जोन में चला जाता है, तो वो अवॉइडिंग जोन से वापस लिसनिंग जोन में आ जाएगा, आपकी बात एटलीस्ट सुनने लगेगा। चेरी प्लम, आप अपना कंट्रोल, अपना गुस्सा जो है कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ कोई सामान वापस नहीं देता, हमारी कोई चीज़ किसी के पास होती तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत अपशब्द उस इंसान को बोलने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, भाई तूने मेरा सामान ले लिया तू मुझे वापस नहीं करेगा, और हम इतनी सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं, आपको पता है वो चीज़ें और ब्लॉकेज क्रिएट करती है उस इंसान को हमारी चीज़ वापस न रिटर्न करने के लिए। तो चेरी प्लम आपको पेशेंटली उस चीज़ को, आपके एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इम्पेशेंट, आप इम्पेशेंट नहीं होंगे कि नहीं मुझे आज ही मेरा सामान चाहिए, मुझे अभी के अभी चाहिए, आप इम्पेशेंट नहीं होंगे, पेशेंटली अपने सामान के लिए आप बात करेंगे, गुस्सा नहीं होंगे आप पर। चिकोरी, हमारी जो चीज़ होती है ना हम बड़े पॉजिटिव होते हैं इसके बारे में, चाहे हमारा मोबाइल हो, हमारा लैपटॉप हो, हमारी ज्वेलरी हो, हम किसी भी चीज़ को लेके बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, जैसे हमारे बच्चों को भी लेके हम बड़े पॉजिटिव होते हैं, हमें अपने बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं पर दूसरे के बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं। तो क्या होता है कि इवन एक माँ को अगर मैं बोलूँ तो अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है पर अपनी बहू नहीं अच्छी लगती है किसी को भी जो है, तो ये नेचुरल चीज़ है, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस की प्रॉब्लम है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं उस चीज़ों को लेके, अटैच इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं कि उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो आप पॉजिटिव नहीं होंगे, बैलेंस्ड बिहेवियर करेंगे, अगर आपने किसी को कोई भी चीज़ अपनी ज्वेलरी मोबाइल कुछ भी दिया तो पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे कि अभी मेरा सामान है तो मुझे वापस नहीं करता, मैं तुझे इतनी गालियाँ दूंगा, तो आप वो नहीं करेंगे। नाउ चेस्टनट बर्ड, इट इज़ वेरी वंडरफुल रेमेडी, आई लव दिस। आप कभी चीटेड नहीं होंगे अगर आपने इसको लिया, वो इंसान आपको चीट कर ही नहीं पाएगा। अगर जिस इंसान ने आपका सामान लिया उसकी जितनी भी इंट्यूशन हो चीट करने के लिए, चेस्टनट बर्ड विल नेवर हेल्प हिम टू चीट यू, तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग चीटेड। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन, अगर आप इसको लेते हैं तो आपने जो भी सामान किसी को दिया है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आया, बैच फ्लावर समझ में आए, स्टार्ट चैंटिंग इट,
और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.